साथियों, यदि आप किसी भी बैंक में पैसा फिक्स करना चाहते हैं या आपके कोई मित्र, सगे संबंधी कोई फिक्स करना चाहते हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा बैंक कितना ब्याज आपको दे रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि इस समय 2019 में नए साल में कौन सा बैंक कितना आपको ब्याज दे रहा है और किसने सबसे बढ़िया सर्विसेज दे रही हैं। सीनियर सिटीज़न जो होते हैं, मतलब जो 60 साल से ऊपर की अवस्था वाले लोग होते हैं, उनको कितना ब्याज मिलता है, और जो 60 साल से नीचे के लोग हैं उनको बैंक कितना ब्याज दे रही है और उस बैंक का नाम क्या है। साथियों, हमारे इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं जो है कि लिखा हुआ है बैंक का नाम, उसके आगे लिखा हुआ है उसका इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीज़न के लिए इंटरेस्ट रेट। जैसे इंडसइंड बैंक जो है 7.60% ब्याज दे रही है और सीनियर सिटीज़न को 8.010% दे रही है। वहीं डीसीबी बैंक 7% दे रही है और सीनियर सिटीज़न को 7.5% दे रही है। इस तरह कोटक महिंद्रा बैंक जो है 7.30% और सीनियर सिटीज़न को 7.80% ब्याज दे रही है। एस बैंक जो है 7.25 और सीनियर सिटीज़न को 7.75% ब्याज दे रही है। आईसीआईसीआई बैंक जो है 7.96 और सीनियर सिटीज़न को 7.40% और एचडीएफसी बैंक का 7.30, सीनियर सिटीज़न को 7.80, एसबीआई बैंक जो है 7.80% और सीनियर सिटीज़न को 7.30%, आरबीएल बैंक जो है 8% और सीनियर सिटीज़न को 8.50%, एक्सिस बैंक जो है 7.30% और सीनियर सिटीज़न को 7.95%, डीबीएस बैंक 7.5% और सीनियर सिटीज़न को भी 7.5% ही है, यहाँ पर कोई अलग से इनके लिए व्यवस्था नहीं है। आईडीबीआई बैंक 7% और सीनियर सिटीज़न को 7.5%। इसके अलावा जो और बैंक हैं, आईडीबीसी बैंक 7% और सीनियर सिटीज़न को 7.5% और बगदा बैंक 7.35% और सीनियर सिटीज़न को 8.10%, केनरा बैंक 7%, सीनियर सिटीज़न को जो है 7.5% और यहीं फेडरल बैंक जो है 7.3% और सीनियर सिटीज़न को 7.1%, ओबीसी बैंक जो है 6.75% और सीनियर सिटीज़न को 7.2%, बैंक ऑफ बड़ौदा 6.7% और सीनियर सिटीज़न को 7.20% ब्याज दे रही है। लेकिन साथियों, ध्यान इस बात का दीजिएगा कि जो यह इंटरेस्ट रेट है, यह 1 से 2 साल के लिए यहाँ पे अगर फिक्स करते हैं तभी आपको ये मिलेगा। आप इसी का ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 2 साल के प्लान में आपको फिक्स करना है, उससे अगर कम करते हैं तो यह ब्याज आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे अधिकतम अगर हम ब्याज की बात करें तो कौन सा बैंक ब्याज दिया, इसके बारे में आप टैली कर सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो कौन सा बैंक है जो सबसे ज़्यादा ब्याज दिया, यहाँ पर आरबीएल बैंक 8.5% जो है सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाला बैंक अभी तक दिख रहा है, और 8% नॉर्मल लोगों को जो 60 साल से कम है उनके लिए आरबीएल बैंक ब्याज दे रहा है। तो साथियों, अगर आप फिक्स करते हैं या किसी को फिक्स करवाते हैं
तो इस जानकारी को आप आसानी से दे सकते हैं लोगों में और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों में जाएगी जिससे उनका नुकसान होने से बच जाएगा। साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।